press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे MBA वर्सेस PGDM के बारे में कि MBA और PGDM में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं, जब भी कभी कॉल करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं तो एक ही क्वेश्चन होता है, सर जब दोनों सेम ही है, बहुत सारे वीडियो उन्होंने पहले से देख रखी होती है फिर भी यही क्वेश्चन करते हैं, सर लेकिन सेम कैसे हुआ, क्योंकि उनको पिछले वीडियो से क्लियर नहीं होता। तो आज मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कोई भी बात अगर मेरी वीडियो में भी समझ में आपको ना आए तो मैं आपको पर्सनल नंबर स्क्रीन पे दे रखा हूँ, आप वहाँ से कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो या फिर हमारे टीम में जितने भी लोग हैं आप उनसे किसी से भी बात करके उसके बारे में आप जान सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PGDM की। अगर PGDM आप किसी कॉलेज से करते हो तो वो ऑटोनोमस कॉलेज होता है। जैसे ऑटोनोमस कॉलेज को मैं सिंपल भाषा में आपको समझा दूं, शारदा यूनिवर्सिटी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, वो एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। उसमें बाहर से बहुत सारे लड़के पढ़ने आते हैं, स्पेशली नाइजीरिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बहुत सारे लड़के उसमें पढ़ने आते हैं। तो वो एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। आप MIT का नाम सुने हो, MIT भी एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। तो जैसी ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये खुद का सेल्फ प्रोग्राम चलाती हैं, सेल्फ कोर्स करवाती हैं। ये सब जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको PGDM प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो कॉलेज अफिलेटेड होता है, जैसे APG अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ से है, उससे अगर कोई भी कॉलेज आपका अफिलेटेड होगा, जैसे NIT हुआ, GL बजाज हो गया, JSS हो गया या फिर गलगोटिया हो गया, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ये सब जो होते हैं ये आपको MBA प्रोवाइड करते हैं अगर आप अफिलिएशन से लेते हैं। फिर भी बहुत सारे कॉलेजेस जो अफिलिएशन से होते हैं वो भी PGDM कराते हैं, क्योंकि वो अलग ICTE से अप्रूव्ड करवाए होते हैं तो उसके थ्रू वो PGDM चलाते हैं। अगर आप कहेंगे तो ग्रेटर नोएडा में जितने कॉलेजेस PGDM कराते हैं उन कॉलेजेस का वीडियो बना के आपसे शेयर कर देंगे, क्या डिफरेंस है MBA और PGDM में, क्या आपको फ़ायदा हो सकता है और क्या आपको नुकसान आगे चल के हो सकते हैं। तो पहले हम PGDM की बात करते हैं, PGDM की पढ़ाई कैसी होती है। तो आप PGDM की पढ़ाई, मतलब वो हर वक्त चेंज होता रहता है, मार्केट में कैसा सिनेरियो है, अभी स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, फिर आत्मनिर्भर इंडिया चलेगा, फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, तो फिर उसी से अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ताकि वो फील्ड में जाएं तो उसी हिसाब से काम करें। आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि PGDM प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड करती है, तो MBA में वही रटा रटाया घिसा पिटा जो 10 साल 15 साल पुराना सब्जेक्ट होता है आपका वही पढ़ाया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो इतनी खाली है नहीं, उनके पास इतना टाइम है नहीं कि वो सिलेबस बार बार चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे उनके पास काम होते हैं, तो ठीक है, तो इसीलिए वो बार बार चेंज करते नहीं हैं। और PGDM में जो होता है कि वो खुद ऑटोनोमस होता है, तो जो भी कॉलेज में अगर किसी टीचर को लगता है कि सर आप हमारा सिलेबस ये मैच नहीं कर रहा है आपका मार्केट से या फिर ये सिलेबस सही नहीं है, तो फौरन वहाँ पे आपके चेंजेस कर दिए जाते हैं कॉलेज के कमेटी के द्वारा। लेकिन आपका इसमें जो MBA होता है, इसमें जब तक यूनिवर्सिटी नहीं चेंज कर सकती, आप कॉलेज कभी भी वो सिलेबस चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि पेपर वगैरह जो बने होते हैं सब वहीं से तो बने होते हैं यूनिवर्सिटी से। तो अगर यहाँ से सिलेबस हम चेंज कर दिए, पेपर वहाँ से कुछ और आ गया, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टीज़ हो जाएगी, आप लोग हमारे पीछे पड़ जाओगे डंडा लेके मारने के लिए, ठीक है। अगर आप सैलरी की बात कर लेते हो तो सैलरी काफ़ी अच्छी पैकेज पे PGDM में उठाई जाती है, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होती है, और जब फीस ज़्यादा होगी तो कॉलेज पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि अच्छा प्लेसमेंट दिलाए, तो कॉलेज जो होता है PGDM में बहुत अच्छा प्लेसमेंट दिलाता है। और क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, आप कंपनी में विजिट करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें देखते हो, हफ्ते में दो दिन बस पढ़ाई होती है और बाकी दिन आपको ओवरऑल मिला के जो 5 दिन के वेटेज होता है आप उसके हिसाब से आपको नॉलेज मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज में आपका काम करने लगता है, थ्योरेटिकल नॉलेज में क्या होता है आपका पढ़ा पढ़ाया वही चीज़ें रटो और जाके एग्ज़ाम में दे के पास हो जाओ। तो अगर आप कभी भी कीजिएगा मेरे हिसाब से तो आप PGDM कीजिएगा, क्योंकि MBA में वो स्कोप नहीं रहा मार्केट में और वो चीज़ें अब नहीं रही कि आपको जॉब बहुत अच्छी मिल सके। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी से पढ़ते हो आप, बहुत सिद्ध से पढ़ते हो, एकदम दिलो जान लगा के पढ़ते हो, तो वो तो मार्केट में आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो और बहुत दिल से कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो वो आपको जॉब मिलनी है, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा मार्केट किस तरफ जा रही है और किस में आपको ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो रहा है। PGDM की फ़ीस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है MBA की तुलना में, क्योंकि MBA आप किसी कॉलेज में 2 लाख में 3 लाख में आराम से कर लेते हो, लेकिन PGDM अप टू 5 लाख से लेके 20 लाख तक
आप कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस में आप 5 लाख में करते हो, किसी में 6 लाख में करते हो, किसी में 7 लाख में करते हो, फिर वो जितनी भी आप फीस पे करते हो, लेकिन आपका प्लेसमेंट में आपका इतना अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है कि आप आगे चल के PGDM में उतना पैसा आप 1 साल में 2 साल में निकाल लेते हो। तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से PGDM आप मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से बहुत ही अच्छा आजकल के हिसाब से PGDM। अगर आप MBA करना चाहते हो तो आप 2-4 लाख रुपये और ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करके आप PGDM कर लो, क्योंकि जब आप PGDM कर लोगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी और इन PGDM में आपकी अच्छी खासी जॉब लग जाती है, क्योंकि कॉलेज जब इतनी फीस लेता है तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो एक तरीके से ऑटोनोमस कॉलेज होता है, तो उसको अपने कॉलेज को अच्छा दिखाने के लिए इसलिए वो और ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट कराता है। टीचर की बात कर ले तो टीचर जो होता है वो PGDM में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आप जो भी कॉलेज में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, अगर उसको कोई चीज़ ऐसे लगती है कि बहुत पुरानी हो चुकी है या फिर आउटडेटेड हो चुकी है, तो फ़ौरन वो जाएगा, कमेटी से बात करेगा और कहेगा सर इसको चेंज कर दीजिए। लेकिन आप यही यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें तो उसमें कौन आपकी सुनने वाला है, वहाँ पे तो कमेटी कभी कभार बैठती है और जो चीज़ें करनी होती उन्हें कर देते हैं, क्योंकि उसमें हर साल में आप कोई चेंजेस नहीं, काफ़ी 10 साल में 5 साल में ऐसे लंबे लंबे अरसे में चेंजिंग देखने को मिलती है। तो पूरे ओवरऑल वीडियो का एक ही पॉइंट बनता है कि अगर आप MBA और PGDM करना चाहते हैं तो MBA को ज़्यादा प्रीफर मत दीजिएगा, PGDM को दीजिएगा। इसमें भले ही आपका 2-4 लाख रुपए ज़्यादा लग जा रहा है, लेकिन आपको आगे मार्केट में चल के बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के PGDM करके अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं और MBA करके उतनी अच्छी पोस्टों पे नहीं। आपको 10,000, 15,000, 20,000 आपकी MBA में जॉब मिलती है, लेकिन PGDM में इससे बहुत ज़्यादा मिलती है। बाकी अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी होगी तो आप स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप वहाँ से कॉल करके हमसे पूछ सकते हो। और बाकी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे। और अगर ग्रेटर नोएडा में या फिर कहीं के MBA और PGDM के कॉलेजेस के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस कॉलेज के बारे में और उस सिटीज़ के बारे में आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे कि वो सिटी कैसा है, आपके PGDM करना वहाँ सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आप जहाँ से पढ़ाई करते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।